Hello students, today we are going to start the new chapter that is called magnetism. In magnetism, the first question that comes in our mind that is called, what is a magnet? छोटी क्लास में बच्चे पढ़ रखा आपने, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द आयरन पीसेस, बट इन क्लास 12th वी से दैट मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट, मैग्नेटिक मटीरियल्स. सो व्हेन वी से मैग्नेटिक मटीरियल्स, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पैरा फेरो बायर, बट इट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटीरियल. अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो, सो देर वॉज एन आईलैंड इन ग्रीस जहाँ पे फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट वॉज फाउंड. So magnet is further divided into two types. One is natural magnet and second is artificial, man-made magnet. Natural magnet, which is Fe3O4, is called ferric oxide. It's formed and sometimes called lodestone. आर्टिफिशियल दो बच्चे आपने कई बार बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्लियर. सो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटीरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. द क्वेश्चन दैट कम्स, प्रॉपर्टीज of a magnet. In class 10th, most of you have studied, you know that bar magnet, this is north pole and this one is south poles. Now what are the different property? The first property is attractive property that a magnet always attract the iron pieces. ज़्यादा ब्रीफली लिखा हुआ है, attract the iron pieces. And the maximum attraction is at the ends of the magnet. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, मैक्सिमम अट्रैक्शन एट द एंड्स, यहाँ पे होती है अट्रैक्शन मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे उसकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ. सेकेंड इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी सेड दैट इफ यू फ्रीली सस्पेंड ए मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ ए वायर और ए थ्रेड वट एवर, इफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, then this magnet is always align itself in the north-south direction. Clear? It means a freely suspended magnet, then it always align itself north-south direction. ये क्या चीज़ है? आपने मैग्नेट को एक थ्रेड से थ्रेड लगाया, लगाने के बाद आपने हाथ में पकड़ के उसको छोड़ दो, कुछ देर बाद क्या होगा, वो सेटल हो जाएगा. सेटल हो जाएगा जिस साइड उसका नॉर्थ होगा, दैट विल बी योर ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जिस साइड उसका साउथ होगा, दैट विल बी योर ज्योग्राफिक साउथ. व्हाई इट इज सो, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि ऐसे क्यों सर. थर्ड प्रॉपर्टी है, ऑल ऑफ यू नो दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. पढ़ा आपने नॉर्थ नॉर्थ है तो बच्चे साउथ नॉर्थ रिपेल करेंगे, और दूसरे है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ magnetism.
रिपल्शन इज द शोरेस्ट टेस्ट ऑफ, रिपल्शन से मैं बता सकता हूँ ये कौन सा फॉर्मूला है। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आई कांट टेल यू, बट इफ इट इज रिपल्सिंग दैट आई कैन टेल यू दैट विच इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। That is, if you have a magnet, this side which is north pole, this side is south. एक बच्चा बोलता है यहाँ से सर कट कर दो, कर देते हैं। तो जब आप कट करो कि you get two magnet, but this side north south, north north south. If there is a north, there will be south. If there is a north, there will be south. But अगर single, you cannot have single north pole or single south pole. That is why it is monopole do not exist. It always exists in pairs. Next property is मैग्नेटिक इंडक्शन। एक सिंपल लोहे का आपके पास, इफ यू हैव ए सिंपल आयरन पीस, दिस आयरन पीस नेवर बिहेव एज ए मैग्नेट अंटिल यू प्लेस दिस आयरन पीस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। That magnetic field induces the magnetism in this iron piece. This property of a magnetic field to induce the magnetism in the given, that is called magnetic induction. It is next part. So these are the some of the property you have to remember about the power magnet or the magnetic. If I go for further. So we have already discussed, we have uniform magnetic field, either crosses you have to present to magnetic field either with crosses, I think all of you are familiar, or you represent the dot. It is a representation of uniform magnetic field perpendicular inward and outward. Next question that comes, that is about little bit once again, if I again draw this bar magnet. In bar magnet, this is a north pole, this is a south pole. This distance outside, यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक बाहर वाला, इसको बोलते हम, this is called geometric length. Geometric length, this is called geometric length. यहाँ से बच्चे लेके यहाँ तक, अंदर से अंदर तक, this is called magnetic length. And one thing is clear that magnetic length is always less than the geometric length. Geography में तो बड़ी होगी, magnetic length है फिर compare. Clear this? So now the question that comes, next question that I will discuss, that is about pole strength. As the name implies, pole strength means the we said that whenever there is force of attraction or force of repulsion that is maximum at the end of pole ke end pe maximum attraction whatever jo hota pole ke end mein hota hai, it means pole ki strength I have to calculate that. Usko calculate karne ke liye beta main aapko once again let us go in the electrostatic. In electrostatic if you have plus q charge and this charge is placed inside the electric field, then the force acton which is given by q into e is it. In case of electrostat, we also define the dipole. In dipole, you have two pole, plus and minus. This, if you again place inside the electric field, each of the charge will experience a force Q into E. In the similar way, your bar magnet is also a dipole. And we have north pole and this is south pole. If this bar magnet is placed inside the external magnetic field, each of the pole will also experience a force as your charge experience, which is given by F equal to m small m into capital B. If you compare with these two, you can see that it is similar to this formula. The only difference, we replace E electric field with the magnetic field and this Q with the m. So whatever the role plays by the Q in electrostatic, in case of dipole,
the same role plays by the pole's strength in case of bar magnet. From this, what will be M then? M is defined as F divided by B. This is called the pole strength of a given bar magnet. This is called the pole strength of the given bar magnet. Clear this one? अच्छे फिर से सुनो. अगर इसकी pole strength, अगर एक magnet अच्छे मैं draw कर रहा हूँ, एक magnet में अगर ये north pole है, ये south है, तो अगर इसकी pole strength M है, तो इसकी भी M ही होगी बच्चे. पर ये minus और ये plus. What is this minus and plus? Line यहाँ से start होती है, कहाँ जाती है? North to south, or inside it is from south to north. But this is called pole strength of a given magnet, which is same. Now we'll consider the different expression, but with the help of electrostat, whatever. Whatever role plays by, once again, charge in electrostatic field, the same role plays by the pole strength in the magnet. That question from in electrostat, the first question that we discussed, that was about कौन सा था बच्चे वो, दैट वॉज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ, सी ओ यू एल ओ एम बी एस, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ विल राइट द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिज्म. वेरी इजी, इट सेज दैट इफ यू हैव टू मैग्नेट्स, इट्स पोल स्ट्रेंथ इज एम वन, इट्स पोल स्ट्रेंथ इज एम टू, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी. Then the force between either attraction or repulsion is directly proportional to M1, M2 into D square. If you compare with electrostatic, is it same or not? देखो याद करो, उसमें क्या था, F is proportional to Q1, Q2 by, तो यही मैं बोल रहा था, इसको आप compare करो, you get the same thing. So F is proportional to M1, M2 by D square. When you remove this constant, you get a K M1 M2 by D square. The value of K is either we have CGS system. If you have CGS system, then we take the value of 1. But if you have SI system, you know that value of K is taken to be mu naught mu R by 4 pi. Bad Savart's law yaad aa gaya. To agar main bache air or vacuum ki बात करो, देन आई टेक दिस म्यू आर इज इक्वल टू वन. इफ आई पुट बच्चे तो एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाए, पहले की पोल स्ट्रेंथ सेकेंड की पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. ये फार्मूला याद रखना आपने, एंड दिस फार्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ फार्मूला. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स, from this we can define, that is a separate issue, we can define the pole strength also, that if M1 equal to M2 equal to 1 unit and R equal to 1 meter, then what will be F? That will be equal to mu naught 4 pi. If I put the value of mu naught 4 pi 10 to minus 7 divided by 4 pi, 4 pi 4 pi cancel, 10 is to minus 7, as a unit pole may be defined. Hence the unit pole strength may be defined as that pole which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an identical pole repel it with a force of 10 to minus 7 newton. This is the definition of the pole, we can define like this. Now next question that comes in our mind, that is called magnetic field due to a bar magnet. So I think all of you know the formula. Why? Because you know that if you have plus Q charge at a distance R, you want to find the electric field. The formula is KQ by R square. Now in this case you have this magnet. Magnet pole strength is M. There is a point P at a distance R. So I want to find its magnetic field at this point, no problem. I will take the help of tests.
In this case, we place the test charge Q naught. Here I will place a magnet, test magnet, pole strength M naught, so that this magnetic field is the force between them. Coulomb's law is mu naught 4 pi first key pole strength, second key pole strength divided by distance per square. This force pulling at a pole strength mu naught by 4 pi m by r square, this is called the magnetic field produced by bar magnet having pole strength m, or it may be written as in vector form, b is equal to mu naught 4 pi m by r square into r unit vector. It is similar to the electric field. In electric field you had a formula kq by r square, but in case of this you have a formula of now I come to the next question, that is called bar magnetic dipole. We already discussed that each of the bar magnet has behave as a dipole. In dipole you have two options, north pole and south pole. In class, in electrostat we define the term dipole moment. What was that? Q into 2A. In the similar way we have a term magnetic dipole. If it is dipole, you can see if it is plus M then it will be minus M. If I suppose its magnetic length is 2A, then dipole moment M is given by M into 2A. It is similar to Q into 2A in electrostat, M into 2A. And it is a vector quantity. If it is a vector quantity, then its direction is opposite to the magnetic field. Opposite to magnetic field north to south. So magnetic dipole moment will be south to north. Clear? If somebody asks what is the total charge on a dipole, you know that total charge on the dipole is zero. So what is the total charge of a total pole strength of the bar magnet? Answer will be north, south, south, north. So this is called magnetic dipole, and this moment is called magnetic dipole moment. Next question that comes: how to find the magnetic field due to a bar magnet at any point lying on its axial line as well as equatorial line? So this article is similar to the article we did in electrostatic, that find the magnetic field due to a dipole, electric dipole, at any points on its axial line. And you know that in case of axial line, the formula was 2 Kapoor r square minus a square ka whole square. The same thing I am going to prove when I find, look at this picture, this is a bar magnet, north pole, south pole. From the center of this, I consider a point P, which is at a distance I am taking r. If it is plus m, then it is minus m. This distance is a, this is also a. What's about this distance between this and this? It will be r minus a, and from this point to this point it is r plus a. I think all of you are clear. If it is clear, then let us start. So first I am going to find the magnetic field due to south pole. Formula is mu naught by 4 pi its pole strength divided by distance per square r minus a square. Next question, what will be direction? Listen, to find the direction, you will place a magnet of small magnet, test magnet, of north pole towards the given magnet. Now you know that north will be attracted towards the south, so this will be the direction. Similarly, what will be BN? Again the formula is same, but there will be change in the distance. Now it will be r plus a ka scale. Direction kidhar hogi bache? That will be direction of BN. North north will repel each other. Fir se dekhna, jab hum electric field ki find karte the to hum plus 1 charge rakhte the. Jab magnetic field ki rakhni hai to yahan pe ek humne magnet rakhna, uska north pole us side hona chahiye jahan magnetic.
और नेक्स्ट वैसे भी आपको पता है लाइन जो होती है नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ के अंदर जाती है, तो इफ़ इट इज़ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, कि अगर इसकी देख रहा हो तो नॉर्थ से बाहर जाएगी इधर होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, नेट में से बड़े में से छोटी बड़ी कौन सी होगी जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा साउथ में से नॉर्थ की माइनस कर देते हैं। वैल्यू पुट की मैंने म्यू नॉट कॉमन 4 पाई कॉमन एम कॉमन इन साइड आई गेट आर माइनस ए का स्क्वेयर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वेयर। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो मी नॉट बाय 4 पाई एम, यहाँ पे आ गया बच्चे आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2 आर ए, यहाँ पे आ गया माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2 आर ए प्लस 2 आर ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, सो इट कम्स आउट टू बी आर स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर। यहाँ से बच्चे ये कट गया, इधर से ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया म्यू नॉट बाय हम 4 बाय 2 आर ए, 2 आर ए कितना होगा 4 आर ए हो गया। चेक करना बच्चे म्यू नॉट एम 2 मैं इधर ले गया और इसको लिख लिया एम इंटू 2 ए इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई, नीचे आ गया अपना आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का, यहाँ भी हम बोल गए थे आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो इट कम्स आउट टू बी 2 म्यू नॉट एम आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो दिस फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ। अब इसका थोड़ा सा आगे वर्जन करूँ कि हमें पता बच्चे अगर शॉर्ट डाइपोल हो, if it is a short dipole then you know that if it is a short dipole then r is greater than that of r, therefore a is approximate equal to 0. If I put the net magnetic field comes out to be 2 mu naught m upon 4 pi into r की power 4 into r, r r cancel हो गया, तो ये आ गया बच्चे mu naught by 2 pi r capital m upon r की। समटाइम्स दिस ईयर द क्वेश्चन वॉज, कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है कि दिस इज ए सोलेनॉइड, दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, देर इज ए पॉइंट पी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस, फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो टू सॉल्व दिस आर्टिकल द मैथड इज सेम, द मैथड इज सेम, सिंस यू नो दैट योर सोलेनॉइड इज ऑल्सो बिहेव एज ए पार्क मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ, सो दिस आर्टिकल इज सिमिलर टू, ये कन्फ्यूज नहीं होना पेपर में सर ये तो ये पूछ लिया हमने किया नहीं था, हमने कर रखा है, थोड़ा सा ये देखने थोड़ा समझ रखने कि इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। सो दिस इज द केस व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इट्स एक्सियल लाइन, नाउ आई कम टू द केस व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, कौन सा था बच्चे इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ, अब ये पॉइंट है बेटा मेरा ये पॉइंट है ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया बच्चे ए है, ये डिस्टेंस आर, तो इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो पाइथागोरस ये कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस, अब इसकी मैग्नेट नॉर्थ पोल है तो बाहर की तरफ होगी, फॉर्मूला लिख लो क्या होगा फॉर्मूला, सो व्हाट विल बी बी एन, इट विल बी हाँ जी न्यू नॉट बाय 4 पाए, इसकी उस टाइम तो मैंने एम मानी है, एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अब ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो बेटा, जब इसको ज्वाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि सारा कुछ सेम है, ये भी सेम सारा कुछ सेम, तो बी एस लिखते हैं मैंने यहाँ पर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए अगर आपको याद है बच्चे हम ये एंगल बनाते थे, इसको थीटा बोलते थे, ये भी थीटा, तो दिस बी एस कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज बी एस कॉस थीटा, या नीचे क्या रहता था बच्चे बी एस साइन थीटा। इन द सिमिलर वे ऊपर की तरफ जाऊँगा, थोड़ा सा डायग्राम कंजस्टेड हो गया, ऊपर की तरफ जाऊँगा बच्चे भी यहाँ पर आ जाएगा बी एन साइन थीटा, और इस साइड की तरफ जाऊँगा तो आ जाएगा bn cos theta, तो यू हैव डन दिस वन कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 bn cos theta, दो क्यों आएंगे क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने bs की जगह उसको भी bn लिख दिया,
अब आई विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू, बी एन की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 2 को रहने देते हैं, एम इंटू 2a कर लो, ये नीचे आ जाएगा, बेसिस सेम से पावर्स गेट एडेड, सो आर प्लस ए स्केयर 3/2। इसको क्या बच्चे बोलते हैं, डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। आगे चले हम, सो बच्चे ये क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय एम, म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्केयर प्लस ए स्केयर 3/2। एंड दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू द रिजल्ट दैट वी हैव सीन, सिमिलर टू द रिजल्ट। क्लियर दिस वन? नेक्स्ट अगेन द केस कम फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इफ यू वांट टू सॉल्व, सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट इट कम्स आउट टू बी, क्या आया था बच्चे, सो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू 3/2 फॉर ए शॉर्ट डाइपोल आर इज ग्रेटर देन ए इज अप्रॉक्सीमेट 0, सो बी दैट विल बिकम फॉर इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाय एम अपॉन 4 पाई आर की पावर 3। एंड इफ यू कंपेयर विद द एक्सेल लाइन यू गेट दैट बी एक्सेल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेम रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, नथिंग विल चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माई माइंड, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, प्लेस्ड inside uniform magnetic field, चेक करना बच्चे कैसे करेंगे इसको। वो जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में करा था, इस साइड बच्चे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इस साइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली तो बीच में हमने बच्चे रखा मैग्नेट, एंड मैग्नेट यू हैव टू, वन इज नॉर्थ पोल अनदर इज साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी भी एम है, तो ये सेम होती है, तो इस पर जो फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये नॉर्थ पोल होगा, इधर क्या होगा बच्चे, तो इस पर फोर्स लगेगी दैट इज एम इंटू बी, क्यू इंटू ही होता था, इस पर फोर्स लगेगी दैट विल बी एम इंटू बी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फेंक देते हैं, परपेंडिकुलर आर बोल देते हैं। Now this is a couple, one force in this side, another this is a couple, और couple के केस में क्या होता है, try to rotate about its axis, the moment of couple is given by torque into force into perpendicular distance, force का formula क्या था, ध्यान से देखना, q into e होता है, यहाँ पे m into b हो जाएगा, what will be perpendicular distance, that is equal to qr, perpendicular distance is QR, so torque will be equal to MB into QR, QR के लिए हम अगर suppose कर लें इसने angle theta बनाया, तो from this what is its geometric length that we take 2A, then it will be 2A sin theta, अब बच्चा बोलता सर ये कहाँ से है, इस triangle में ले लो, so in triangle PQR what is sin theta, perpendicular but a hypotenuse, what is perpendicular, क्यू आर, वट इज हाइपोटेन्यूज 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट दिस, सो बी इक्वल टू एम 2A, साइमल्टेनियस लिख लिया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, नाउ एम इंटू 2A इज कॉल्ड वॉट, एम इंटू 2 इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज बी एम साइन थीटा, एंड इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ बच्चे वैक्टर फॉर्म, सो इट विल बी एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू टॉप वैक्टर, that it will be tau vector equal to m vector cross, similar to you know that in case of electrostat it was p vector cross, तो अगर ये आर्टिकल क्लियर है इसमें तो है ही कुछ नहीं, आप बाद में भी एक सेकेंड में इसको ड्राइव कर सकते हो, अगर ये डिफरेंट केसेस थे, क्या केसेस थे आपको पता है, थीटा अगर जीरो हो तो टॉप क्या होती है, जीरो मिनिमम होगी,
अगर थीटा 90 हो तो टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट विल बी एम इन टू मी। बोर्ड में क्वेश्चन डाल दिया, इसको ड्रॉ करके दिखाओ, कर देते हैं, ये रहा बच्चे। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो है। अब डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट कब होती है, साउथ टू उल्टी होगी, तो इस साइड साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। पर अगर सेकंड की बात करूँ मैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और ये एकदम 90 डिग्री पे है, तो सम टाइप क्वेश्चन का मीन बोर्ड एग्जाम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, वी कैन रिप्रेजेंट। नाउ आई वांट टू रोटेट दिस बार मैग्नेट, आई वांट टू रोटेट दिस बार मैग्नेट, सो सिंस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू नो द वर्ड इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, सिंस इट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ आई वांट टू डिस्टर्ब इट आई विल डू सम वर्क, एंड यू नो दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट आल्सो दैट वर्क डन टू डिस्टर्ब इज गिवन बाय tau into d theta, put the value of tau, that was mb sin theta, same वैसे ही चल रहा है बच्चे जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में था, so work done will be equal to mb sin theta into d theta, let us calculate the total one means मैंने theta 1 से लेके theta 2 तक उसको rotate करना, that work done I want to calculate, the integral of theta 1 to theta 2, m outside b outside, integral of sine is minus cos theta theta 1 to theta, now upper limit minus lower, when I solve I get minus mb cos theta 2 minus cos theta 1, so this is the top, and you can this is the work done, and you can see this work done is similar to the work done which we did in case of electrostatic. So there were further two cases, the value of tau may be, the value of tau, work done comes out to be, once again I'm writing, it is minus mb cos theta 2 minus cos theta 1, then we suppose that the tau will be maximum, if we start from maximum, then theta 1 equal to 90 and theta 2 aligns at angle of 90 degree, if I put I get minus mb cos theta. So this work done stored in that magnet in the form of which energy? In the form of potential energy. In the form of potential energy. So potential energy is given by minus m vector dot. This is the potential energy. Now CBSE so many times to ask the question, under what condition it will be in stable equilibrium and it will be unstable equilibrium. So stable equilibrium, always remember theta takes 0, cos 0 is